वेलकम टू हिडन ब्लफ्स। ये ट्रैवल रिजॉर्ट्स का है जो जो पहले मिडवेस्ट आउटडोर रिजॉर्ट्स का है था। आप तो भी दोनों सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आरवीज में रहने का ऑप्शन है, केबिन में भी है, कैंप साइट्स भी है। कैंप साइट्स में आप टेंट लगा के रह सकते हैं या अपना आरवी ला के रह सकते हैं। इनका खुद का भी आरवीज है जो आप रेंट करके रह सकते हैं। पिछले बार हम 2 बार आरवी में रह चुके हैं तो इस बार हमने केबिन का ऑप्शन दिया। तो ये आते ही हमें ये दिखा है, यहाँ पर आपको हाउसकीपिंग मेंबर मिलेगी, नाम और वेलकम। यहाँ पर कुछ रूल्स है जैसे एम्प्टी ऑल योर गार्बेज एंड टेक टू डम्पस्टर, पुट ऑल डर्टी लॉन्ड्री टू द बाथटब अपॉन डिपार्चर, क्लीन ऑल डर्टी डिशेज एंड कॉफी मेकर, स्वीप ऑल फ्लोर्स एज बेस्ट एज यू कैन एंड रिटर्न योर की टू द फ्रंट डेस्क व्हेन यू चेक आउट। तो ये सारे रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे और हमें ऐसे ही रखना होगा जैसे ये था जब हम आए थे। हाँ ओके सॉरी। तो ये बास्केट में आपको मिलेगी रेगुलर कॉफी, ब्लैक टी, ये फिल्टर, ये अगेन इजिप्शियन हर्बो कैफीन फ्री टी है, और इसमें है शुगर और सॉल्ट, उसके सारे पैकेट्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें है डीकैफ कॉफ़ी, और इसमें है टॉवल्स जो वाइप करने के लिए, इसमें है मिटन, और ये वाला डिश वॉशर, और ये जो है ये मैं घर से लाई हूँ, ये नहीं देते ये लोग। सो हम जब एंटर करते हैं हमें ये दिखता है ये किचन, और ये किचन में आपको ये मिलेगा, ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर है ब्रेड का टोस्टर, कॉफी मेकर, ये ऑब्वियसली मैं घर से लाई हूँ, और यहाँ पर पूरा ये आपका पकाने के लिए चूल्हा है, और यहाँ पर छोटा सा माइक्रोवेव है, यहाँ पर ओवन है, और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि इम्पोर्टेंट है, और फिर यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए प्लेट्स कटोरी सब कुछ है यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड, यस, एंड देन यहाँ पर देखिए छुरी चम्मच सब कुछ, कटलरीज आपका है, ये मैं लाई हूँ। अजन वन मिनट प्लीज। एंड फिर यहाँ पर देखिए खाने बनाने के जो बर्तन चाहिए वो अवेलेबल है, और यहाँ पर है आपका पेपर टॉवल और ट्रैश का, यहाँ पर खाना बनाने के लिए जो यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं, और ये फ्रिज है पूरा, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस है आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आप उन्होंने स्पेस दिया है, तकिया है, टॉवल है एक्स्ट्रा, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंदर आए तो एक बेडरूम है, क्वीन साइज बेडरूम है, यहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन है, एसी है, यहाँ पर्दा है, आप पर्दा डाल सकते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ओ ये इनका सारा स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड, तो इन्होंने इसको अच्छा कवर किया है। यहाँ पर साइड में एक टेबल है, लैंप है, पेंटिंग है, और ये बेड काफी अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। और फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ है बाथरूम, बाथरूम अच्छा बाथटब है, और यहाँ पर आईना है, यहाँ पर सिंक है, और यहाँ पर देखिए टॉवल्स और पेपर रोल सब कुछ रखा हुआ है। अब चलते हैं, और यहाँ पर जो है उनका सम पंप है छोटा सा, और यहाँ पर एक और बेड है जो कि आप देख सकते हैं, साइड में टेबल है, ड्रॉज है, और यहाँ पर बस ऐसे छोटा सा स्पेस है, और ये अच्छी बात है कि यहाँ साइड में पेपर टॉवल है, थ्रैश है, और ये एक अच्छा सा सोफा है जहाँ पर आप आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी डाइनिंग स्पेस है, और यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये ऐसे आइलैंड किचन टाइप इन्होंने रखा है प्लेटफॉर्म, और यहाँ बैठने के लिए स्पेस है, और यहाँ पर है हीट
पता नहीं ये चला के देख सकते हैं ये चलता है कि नहीं। और यहाँ टीवी और ये डाइनिंग अच्छा खासा स्पेशियस है। ये वॉल वाला जो है मेटल का वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ये अपना छोटा सा कैबिन। यहाँ पर कपड़े रखने के लिए भी इतना अच्छा खूबसूरत इन्होंने मेटल का लगाया था। बाथरूम में भी बहुत अच्छी पेंटिंग मतलब ये मेटल की लगाई थी, तो बहुत अच्छे से इन्होंने सजाया है। इन्होंने ये केबिन बहुत ही सोच समझ के बनाया है। गर्म पानी आता है, थ्रैश जो है यहीं पे पास में ही थ्रैश करना है जो आपको थ्रैश करनी पड़ेगी, और बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और अच्छा अंदर गर्म है, तो बाहर ठंडा जब भी हो लेकिन अंदर अच्छा गर्म होता है। तो ये है हमारा प्यारा सा कैबिन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को, और ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा है।